हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और गुड मॉर्निंग आप सबको सुबह की, क्योंकि अभी 12 नहीं बजे हैं, 12 बजने में टाइम है, 11:59 हो रही है, इसलिए मैं आप सबको गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ। मैंने सुबह वीडियो स्टार्ट किया था 6 बजे, उसके बाद से आप लोग बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी, उसके बाद से आप लोगों से अब बात कर रही हूँ मैं। तो अभी मेरे सारे काम हो चुके हैं घर के, फाइनली मतलब झाड़ू पोछा वगैरह, नहाना धोना, और अभी मैं नहा धो के बैठी हुई हूँ। उसके बाद आप लोगों से बातें कर रही हूँ मैं। तो अभी मेरे को जो नहाने के बाद जो काम होते हैं, जैसे मंदिर साफ़ करना, वो मैं मंदिर साफ़ करने वाली हूँ। और मंदिर साफ़ करते करते ही उन दोनों बच्चों को लाने का समय हो जाएगा। तो मैं अब मंदिर मेरा जो कोने में रखा है ना, उधर खिड़की जो है ना, उधर से बहुत सारा जो बारीक बारीक वाला बुरादा होता है ना, वो गिरता है। रेंट के मकान में ये प्रॉब्लम है, तो मंदिर को वहाँ से हटा के मैं दस थोड़ा दस सरकाऊँगी, थोड़ा खिसकाऊँगी, मतलब दस सरका के रखूँगी। देखिए गाइस, ये खिड़की पूरी ख़राब हो रखी है, ऐसे ये पूरा विंडो पूरा ख़राब हो रखा है, चटकी हुई भी, यहाँ से देखो कितना चटका हुआ है। क्योंकि यहाँ बारिश आती है ना, तो यार पानी पूरा भर जाता है, नीचे तक पूरा आता है पानी, पूरा भर जाता है। और देखिए इधर कितना धूल मिट्टी भी जमा हुआ है, ये पूरा यहाँ से सेट करके मैं थोड़ा देर से मतलब हटा करके थोड़ा देर खिसका के इधर की तरफ रखूँगी। और ये मैंने वही अष्टमी का व्रत किया था, उसका ब्लॉग नहीं बनाया मैंने, इसके लिए सॉरी बोलती हूँ गाइस। और मैंने जो पूजा की थी इधर, इसमें पानी रखा हुआ है, देखिए भर के यो। चौकी दोनों धोई थी, जो सूख गई है। अब मैं सारा ये भगवान जी को मैं विराजमान कर देती हूँ जल्दी से। देखिए गाइस, हमने मंदिर भी धो दिया, चौकी भी धो दी, और इसमें ये मार्केट से ले गई थी कागज रेड कलर का, जो मिलता है मार्केट में, बिछा दिया है, सब धोए थे मैंने, धूप लगाई थी, अभी सूख भी गए मेरे, अभी लगा देती भगवान जी को, मैं विराजमान कर देती हूँ मैं। Thank you.
गाइस देखिए तेल गरम हो चुका है मेरा। मैं आज सब्ज़ी बनाने वाली हूँ कद्दू की, जो कटा हुआ रखा है साइड में, और उसमें मेथी दाना और जीरा डाल दिया मैंने। ये कटा हुआ प्याज भी रखा हुआ था, उसको भी डाल देती हूँ। ये लहसुन जो मैंने पहले से काट के रखा है, और ये हरी मिर्च भी रखी है, इनको भी काट देती हूँ। और इसके बाद काटते हैं हम टमाटर। मैं पहले भी रेसिपी डाल चुकी हूँ गाइस कद्दू की, चलो कोई बात नहीं फिर से डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूध मेरा चाय बना रही थी मैं, दूध डालना भूल गई थी, तो उसमें मैं दूध डाल दी हूँ। यह मसाला डाल देती हूँ इसमें, वो डालती हूँ वही जो रोज़ाना हर सब्ज़ी में डलते हैं, धनिया, हरी साबुत धनिया। ये देखिए धनिया मेरा जो मार्केट का नहीं है, घर का पिसा हुआ है, साबुत वाला धनिया जो मैंने घर से पीसा था, मार्केट से लेकर आई थी। अब ये कद्दू डाल देती हूँ, कर देते इसको मिक्स, और फटाफट सब्ज़ी बनाते हैं। फिर इसके बाद मुझे बनाने पराठे, और मेरी चाय भी बन चुकी है देखिए। नमक डालना भूल गई थी, तब इसमें नमक डाल देती हूँ। बच्चों के टिफिन के लिए सूखी सब्ज़ी बनानी पड़ती है गाइस, क्या करें। देखिए मैं पराठा बनाने की बोल रही थी, और पराठा इतना नहीं बनाया, प्रेस करने पहुँच गई। यह देती की स्कल्टी प्रेस करी थी, उसके बाद मैं पराठा बनाने आ गई फिर किचन में। आधे पराठा बना चुकी थी पहले ही मैं, फिर भूल गई, बाद में फिर याद आया उनके अलावा वीडियो बना लेते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया मैंने।